मेरे साथ में वही सुधीर मंडल जी है जो इससे पहले हमने वीडियो बनाया था डीएमसीएच में, दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में हमने जाके आपको दिखाया था, और इसी सुधीर मंडल के साथ जो घटना हुई थी उस समय में ये हॉस्पिटल में कई रोज भर्ती रहे थे, और उसी वक्त हम हॉस्पिटल में इनसे बात किए थे, पूछे थे, और उसके बाद ये अब घर डिस्चार्ज होके आ गए हैं। उसके बाद लगातार कई मीडिया वाले यहाँ पे आए हैं, हमें लगता है सैकड़ों मीडिया वाले इनसे सवाल जवाब कर चुके हैं, उसके बाद हमें यहाँ पे आना पड़ा कि आखिर सच्चाई क्या है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में जो इन्होंने बयान दिया था उसका सीधा उल्टा बयान इसके घर पे सुनने को मिल रहा है, लगातार कई मीडिया पे हमने सुना है, इसलिए हम इस जगह पे पहुंचे हैं कि आज आपको सच्चाई बताएंगे कि आखिर ये सुधीर मंडल अपने बातों से पलट क्यों गए हैं। मेडिकल कॉलेज में हमने इनसे स्पष्ट रूप से पूछा था कि आप सही सही बताइए कि आपके पत्नी के ऊपर आपके बड़े पापा आरोप लगा रहे थे उस समय, इन्होंने कहा था कि नहीं ये सब गलत बात है, और उस समय बिल्कुल ये होश में थे, लेकिन उसके बाद घर आने के बाद ये अपने बातों से क्यों पलट गए, क्यों अब अलग बात बोलने लगे, यही बताएंगे सुधीर मंडल जी। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है, आपके साथ घटना कौन किया है, यही सुधीर मंडल से आज हम बात करेंगे। देख लीजिए यही स्थिति है, अब भी इसके जो है बॉडी में ये टॉयलेट के लिए जो है ये लगा हुआ है, क्योंकि ये चल फिर भी सही से नहीं पाते हैं, स्थिति अब भी इनका बहुत बुरा है। कैसे हैं सुधीर जी, फिर से बताइए। अभी ठीक है। अभी ठीक ठाक है पहले से? हाँ। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके जब यहाँ पे आए हैं तो कई मीडिया वाले आपके पास आए हैं, हम हॉस्पिटल में आपसे पूछे थे कि आपके साथ जो घटना हुआ था वो कौन किया था, ये बताइए। पत्नी की है? हाँ। ये आप हॉस्पिटल में नहीं बोले थे हमको, हम आपसे पूछे थे कि आपके बड़े पापा स्पष्ट रूप से ये बयान दिए थे कि मेरे बेटा के साथ में मेरी बहू जो है, पुतहू जो है, वो गलत की है, लेकिन आपने कहा था कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आज क्यों आप अपने बातों से पलट रहे हैं? उस दिन हमको कुछ याद नहीं आ रहा था, हमको दिमाग उस दिन काम नहीं करता था, उस दिन हम नशा में थे, नशा में थे, हमको जो हमारा ससुर सिखाया वो हमने बोल दिया, क्योंकि हमको डर था, डर के मारे हमने। क्या चीज का डर था आपको, हॉस्पिटल में थे आप? डर था यही चीज का, हमारे पास तो कोई नहीं था, एक हमारा जीजा जी था वो दवा लाने के लिए चला जाता था, एक घंटा के बाद आता, दो घंटा के बाद आता, वो वही रहता था, मेरे को ये डर होता था कहीं हमको ये कुछ कर न दे, और इसी डर के मारे हमको जो सिखाया वो हमने बोल दिया। या वहाँ पे हमने कई बार आपसे सवाल किया कि आप सही बात बताइए जो जन्मीन है, क्योंकि जब तक आप सही नहीं बोलेंगे जो दोषी है उसको सजा नहीं मिलेगा, ये हमने कई बार बोला था आपको। बोला था उस वो नशा में थे, हमको कुछ याद उस दिन नहीं आया था, क्या हुआ हमारे साथ नहीं हुआ। जब हमको एक दिन का बाद जब हमको थोड़ा खाना पीना खाया तब होश आया, तब हमको सच्चाई याद थोड़ा थोड़ा आने लगा, आने लगा, तब हम अपने दिमाग में बैठा के जो अभी बोल रहा हूँ वो हम सच्चाई अपने मन से बोल रहा हूँ। इसमें तो अभी क्या कहना है आपका, आपके साथ जो घटना हुआ, आपके जो गुप्तांग हैं, जो मर्द के अंग होते हैं प्राइवेट, उनका आपके साथ क्षति किया गया, ये कौन किया आपके साथ? वो हमारा पत्नी ने करवाया। हाँ। पत्नी ने करवाया, उसी के पास सोया हुआ था ना। ये कैसे आप बोल सकते हैं कि आपकी पत्नी करवाई है? कैसे बोल सकते हैं, दोनों तरफ से केवाड़ी बंद था, केवाड़ी खुला कैसे, दोनों तरफ से बंद था तो खुला कैसे, उसी के पास सोया हुआ था ना, अगर खुला तो उसको तो मालूम होगा कि खुला है तो कहाँ गया नहीं गया। खुला तो आपको मालूम नहीं चला कि केवाड़ी कैसे खुला? हम तो बेहोश में थे। कैसे बेहोश हो गए आप? दूध पीने के बाद तो हम बेहोश हो गए थे ना, गर्म दूध था तो गर्म दूध था, जैसे मैं पी लिया, हमको पता नहीं चला इसमें क्या है नहीं है। मतलब दूध में अगर कुछ मिला दिया होता तो आपको पता नहीं चलेगा? गर्म दूध था ना। गर्म दूध में नहीं पता चलेगा, चाय का स्वाद लोगों को पता चलता है कि नहीं? गर्म में ठंडा में फर्क पड़ता है ना, ठंडा दूध और चाय में फर्क होता है, चाय में चीनी डालता है, दूध में तो चीनी नहीं डालता है, इसलिए तो उसका स्वाद और स्पष्ट पता चलना चाहिए। अभी आपके दूध में कुछ मिला के हम पिला दें या हम पी लें तो पता नहीं चलेगा। गर्म दूध में कैसे पता चलेगा, ठंडा दूध रहता तब न पता चलता। अच्छा, गर्म दूध में पता नहीं चला? गर्म दूध में पता नहीं चला। आप पी लिए? हम पी लिए, पीने के बाद जो है 10 मिनट के बाद हमको चक्कर आने लगा, तो चक्कर आने लगा तो हम सोचा क्या, जो 4 दिन का रास्ता से झमाटल हूँ और पहले से थोड़ा तबीयत माथा घूर रहा था, तो हम सोचा जो 4 दिन से सोया हुआ नहीं ना ट्रेन पे, इसलिए हमको चक्कर आ रहा है। तो आपको चक्कर जब आ रहा था तो आप अपनी पत्नी से बोले कि हमको इस तरह से चक्कर उकर आ रहा है? उस टाइम हमारा पत्नी नहीं था, सोने के लिए नहीं आया था। अच्छा। लेट से आया, उस टाइम नहीं आया था, फिर भी हम आँख खोला एक बार देखा
देखा हमारा प्राइवेट पार्ट नहीं है, तो तब हमको पता चला जो हमारा प्राइवेट पार्ट कट गया है। अच्छा, आप उस समय हम हॉस्पिटल में आपसे जब बातचीत किए थे तो आप हमको ये बताए थे, आपको याद नहीं है तो हम याद दिला देते हैं, कि खाना खा के हम सो गए थे और हम जब टॉयलेट करने के लिए जगे तो हमको बरांडा पे चार लोग जो है पकड़ लिया था और मेरे नाक पे कुछ रुमाल दे दिया और उससे हम बेहोश हो गया। वहां से हमको उठा के ले गया बारी के तरफ और वहां पे जाके वो लोग हमारे साथ जबरदस्ती किया। हम वहां से भागने का भी प्रयास किए, कई बार भागे, मेरे सर पे उस समय आपके सर पे चोट था, अब भी है, बोले कि आप हम गिर गए पड़ गए, हमको कुछ दिखता नहीं था नशा में, लेकिन हम भागने का प्रयास किया, आप ऐसा बोले थे। बोले तो हम नशा में था, हमको जो सिखाया वो हम बोल दिए ना, अपना मती में हम नहीं था उस दिन भी, अपना मती में नहीं था। 2-3 दिन 4 दिन का बाद हमको पूरा होश आ गया, तब हमको सच्चाई धीरे धीरे याद आने लगा। नशा में थे वो जो हमको सिखाया वो हमने बोल दिया, नशा में थे हमको कुछ याद नहीं था जो हमारे साथ क्या हुआ नहीं हुआ, कुछ याद नहीं था। और 2-3 दिन का बाद थोड़ा थोड़ा हमको आँख खुला और थोड़ा थोड़ा खाना खाने लगा, तब हमको थोड़ा थोड़ा याद आने लगा। अच्छा, कोई भी कोई पत्नी अपने पति के साथ इस तरह क्यों करवाएगी, क्या लगता है आपको क्यों आपके साथ ऐसा करवाई हो? करवाई उसी के पास सोया हुआ था ना, उसके पास सोया, उसको पूछो आपके पति आपके पास सोया हुआ। आपको क्या लगता है क्यों करवाई, आप ये बताइए कि वो आपके साथ ऐसा क्यों करवाएगी? कोई भी पत्नी पति में बहुत ज्यादा प्यार होता है ना, पति पत्नी में सबसे ज्यादा प्यार होता है, आपके साथ ऐसा क्यों करवाई? वो पहले से भी बोल रही थी, हमको धमकी दे रही थी, आइए ना आपको दिखला देंगे। क्यों ऐसा क्यों बोल रही थी वो? ओ, मम्मी पापा को तबीयत खराब हो गया था, अच्छा। हम बाहर में थे, पत्नी से बातचीत फोन पे होता था, पत्नी से बातचीत होता था, तो उस टाइम इतना हमारा घर पर सीरियस हो गया था मम्मी पापा दोनों, लेकिन हमको बताया भी नहीं, खबर ने कुछ बताया भी नहीं। मम्मी पापा से आपकी बातचीत नहीं होती थी फोन पे? पहले हो रही थी, लेकिन तबीयत जो खराब हुआ तो उस दिन हमको बताया भी नहीं, आपका घर पे ऐसा ऐसा स्थिति, आप पैसा भेजिएगा कि नहीं भेजिएगा, ये कुछ नहीं हमको बताई। ये तो आप कितना दिन से वहाँ कंपनी में थे? एक साल से। एक साल से वही थे लगातार? आपका वहाँ पे रजिस्टर्ड तो अटेंडेंस होगा? अटेंडेंस है पूरा चीज है, क्योंकि अगर मान के चलिए अभी इस तरह का बात चल रहा है तो वहाँ सब जांच किया जाएगा, है ना, पूरा है वहाँ पे पूरा चीज का है। एक साल से वही थे? एक साल के बाद आप यहाँ? हाँ, एक साल के बाद आए वहाँ पे। अच्छा, आपकी पत्नी प्रेग्नेंट थी ना उस समय? हाँ, प्रेग्नेंट थी। ये भी बात आपको पता था ना? पता था, माँ बोलती थी हमको ऐसा ऐसा बात, तो हमको पता चले, वो तो हमको बताती नहीं थी, उससे अच्छा तरह से बात नहीं होती तो क्या बताएगी हमको, ऐसा ऐसा होता है ऐसा ऐसा बात हो, तो अच्छा से बात हम इससे नहीं कर रहे थे, लेकिन मम्मी बताती थी। तो आप कुछ मीडिया पे ऐसा भी बोले हैं कि वो बच्चा जो है डिलीवरी जो आपकी पत्नी का हुआ वो बच्चा भी आपका नहीं है? उसके बारे में तो कभी बताया नहीं हमको, वो पत्नी है तो हमको बताएगी तब ना हमको पता चलेगी, मम्मी पापा उसे बता देती है, लेकिन हमारा आदमी तो हमको खुद बताना चाहिए ना उसको। मम्मी पापा जब आपको बताए थे कि आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है तो आप अपनी पत्नी से नहीं पूछे कि आप प्रेग्नेंट हैं? अच्छा, बोलते थे तो बहाना बना लेती थी ना, बातें अच्छा से करती थी, बात करेगी तब ना, आप बात हमसे करिएगा तब ना आपको डिक्लियर बात बताएंगे। आप जब फोन करती थी तो आप बोलती रखो फोन, तो रख देते थे फोन, मम्मी पापा से थोड़ा बहुत बात करते थे, वो उसको फोन जब देती थी तो ऐसा बात बोल के फोन को काट देती थी। अब आप क्या चाहते हैं कि आपके साथ जो घटना हुआ, आपका कहना है कि आपकी पत्नी करवाई, आप क्या चाहते हैं? आप ऐसा पत्नी को सजा मिलना चाहिए, सजा मिलना चाहिए। हाँ, आपके बच्चे कैसे रहेंगे, आप कैसे रहेंगे? बच्चा हम रख लेंगे। आप रखिएगा? हाँ, बच्चा हम रख लेंगे, अपना किसी तरह से जिंदगी बिता लेंगे, लेकिन उसको सजा होना चाहिए, उसको होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, आप दो तरह की बात हमको बताए, हॉस्पिटल में अलग बात बताए, यहाँ की बात अलग बताए। कुछ लोग कहते हैं कि आप कहीं उस रात में किसी अन्य लड़के के अन्य लोगों के पास गए, किसी के पास गए, इस वजह से आपके साथ इस तरह घटना हुआ, कुछ लोग बता रहे हैं, क्या कहना है? क्या कहना हो, कुछ उसने तो उसी के पास में सोया हुआ था ना, कहीं तो हम गए नहीं। अच्छा, कोई भी पत्नी ये प्राइवेट पार्ट केवल क्यों कटवाएगा, आपको मरवा दे देती, आपका मर्डर करवा देती। पत्नी दो नंबरी रहे छे तो उने पति का काटा सके छे। चुप लगे भाग, चुप ना, वो तो दिमाग है देवे ना बे, वो तो पूरा मरवाई दी थी ना, वो तो उसके वो तो अपना चावसी कमाई थी तो पूरा मरवाई दी थी, वो तो वो अपना काम करने के लिए तो खत्म कर दी थी, लेकिन ऊपर वाला रख लिए ना। देखिए, इतना बात है, एक साल से आप दोनों के बीच में इतना विवाद चल रहा है, आप उस समय से जो है आपको सही से बात नहीं कर रही थी, इस बात को लेके आपको पहले आना चाहिए
और उनके पिता से बातचीत करनी चाहिए कि आपकी बेटी इस तरह का व्यवहार कर रही है मेरे साथ, आपने नहीं किया। हमको उतना टाइम यहाँ पे हमारा मम्मी पापा सीरियस हो जाता था, हम अकेला आदमी है, सब चीज देखना पड़ता है ना, फैमिली का लोग का पैसा नहीं आ जाएंगे उसको। बाप हमारा मम्मी पापा को मैं बोलता है ऐसा ऐसा बात करता बोलता है, मम्मी पापा को दोनों को बोलता है, लेकिन उसका पापा को बोलता है तो उसका पापा का कभी टाइम नहीं रहता है। अच्छा। कोई बात के लिए कभी टाइम नहीं होता है। इससे पहले कभी आपके पत्नी और आप में कभी विवाद हुआ? कितना दिन शादी का हुआ? 8 साल हुआ। 8 साल में कभी ऐसा विवाद हुआ क्या कि आपसे दुश्मनी हो गया पत्नी को अंदर? शादी से पहले 2 महीना के बाद ये फिरार हो गया था। शादी से 2 महीना के बाद ये फिरार हो गया था। यहाँ से कि अपने नैहर? अपने नैहर से। फिर तो 2 महीना के बाद उसको ले आया उसका पापा। कहाँ से ले आया नहीं ले आया, हम तो गलती तो यहाँ पे आपने की है जी। जो लड़की मान के चलिए गलत है उसको लाना ही नहीं चाहिए परिवार में। तो गलत हम बाहर में नहीं थे, हम नहीं थे बाहर पे, हम मम्मी पापा को रोके हम इसको नहीं रखेंगे। हम अभी तक बोले थे मम्मी पापा को बोले हम इसको नहीं रखेंगे, फिर भी हमारा मम्मी पापा गया वहाँ पे परतंचिती बैठाया सामाजिक दबाव में, बोला ऐसा गलती नहीं करेगा और इसी कारण से फिर ले आया उसको। ले आने का सजा आज हमको ये भोगना पड़ा। चलिए देखिए, ये सुधीर मंडल जी है, इनके बातों में कुछ अंतर है, इसलिए हम इनके बातों को स्पष्ट करना चाहते थे, क्योंकि दरभंगा में हम ही ऐसा पहला मीडिया वाले थे, डिजिटल मीडिया के पहला पत्रकार हम ही हैं कि इनको इंसाफ दिलाने के लिए हम DMCH में गए थे। बहुत ज्यादा ठंड थी उस दिन और यहाँ से हम 150 किलोमीटर सफर तय करके इनसे मिलने गए थे और वहाँ पे ये कुछ और बात हमको बताए थे। अब उसका इनका कहना है कि उस समय हम बेहोश थे, मेरे ऊपर दबाव था, हमको ये डर था कि उस कॉलेज में मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है, क्योंकि उस समय इसके ससुर जी इनके साथ में थे और इनके बहने भी साथ में थे। हमने इनके ससुर से भी बात किया था और इनके बहने से भी बात किया था, उन लोगों ने भी स्पष्ट नहीं बताया हमें कि इसकी पत्नी, हमने यही सवाल किया था वहां भी कि आपके पत्नी के ऊपर ऐसा आरोप है, आपके बड़े पापा आरोप उस समय में लगाए थे कि इनके पत्नी पर आरोप लगाए थे कि इनकी पत्नी गलत करवाई है, लेकिन यही सुधीर मंडल जी है उस समय स्पष्ट नहीं कर पाए थे इस बात को, लेकिन आज ये स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि ये जो भी काम किया है वो सब जो है मेरी पत्नी की है और करवाई है।